नमस्कार दोस्तों, मुकेश अंबानी ने कहा है कि 2047 तक यूएस और चीन जितना समृद्ध भारत बन सकता है, चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करने का मौका मिल सकता है। 90 के दशक देश दुनिया के लिए युगांतरित रहा, 90 के दशक देश दुनिया के लिए युगांतकारी रहा। सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध की समाप्ति हुई। 30 साल पहले देश का कायाकल्प करने वाले आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। अब एक बार फिर देश दुनिया तेज बदलाव के मुहाने पे है। सब कुछ अभूतपूर्व है और भारत का समय आ गया है। उदारीकरण से उद्यमिता की ऊर्जा को नया आयाम मिला है और देश आज नई ऊंचाइयों को छूने को तैयार है। उदारीकरण से आर्थिक तरक्की का जो बीज रोपा गया था, वह आज विशाल पेड़ बन गया है। उसने लाइसेंस कोटा राज को खत्म कर दिया। व्यापार और औद्योगिक नीतियों को उदार बनाया, पूंजी और वित्त बाजार को खोल दिया। उन सबसे देश को उद्यमिता की ऊर्जा का नया आयाम मिला और तरक्की का राजमार्ग खुल गया। देश की समृद्धि सबकी बराबरी वाले सूत्र पर आधारित होगी। आने वाले समय में देश की समृद्धि सबकी बराबरी वाले सूत्र पर आधारित होगी। भारत 1991 के अभाव वाले समय से निकलकर 2021 और 2022 में आत्मनिर्भर वाली स्थिति में आ गया है। भारत 1991 के अभाव वाले समय से निकलकर 2021 में आत्मनिर्भरता वाली स्थिति में आ गया है और 2022 में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में लग गया है। तब सिर्फ 266 अरब डॉलर वाली इंडियन इकोनॉमी आज दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी हो गई है। 1991 में सिर्फ 266 अरब डॉलर वाली इकोनॉमी आज दुनिया में पांचवी सबसे बड़ी हो गई है। अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो गई है कि 2051 तक भारत आर्थिक रूप से संपन्न देश में शामिल हो जाएगा। इसकी समृद्धि सबकी बराबरी वाले सूत्र पर आधारित होगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 2047 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत बन जाएगा।2047 में आजादी के 100वें साल तक देश अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है, अगर हम अपने प्रयास में सफल हुए। यह लक्ष्य असंभव नहीं है। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, भारतीयों का छोटा सोचने वाली बात अब जमती नहीं है। परिस्थितियां अब बदल रही है। सबका प्रयास से ही देश विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसका परिणाम जल्द ही भारतीयों को मिलेगा। थोड़ा संयम रखें। समृद्धि के अनूठे आत्मनिर्भर भारत के मॉडल और दुनिया से सहयोग करते हुए उससे सही सबक लेकर सब मुमकिन किया जा सकता है।
हमारे भाई जी डॉक्टर दिनेश उपाध्याय जी के संरक्षण में स्वदेशी सनातन संघ स्वदेशी से समृद्धि के लिए जी जान से काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का सपना आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरे संस्थान जी जान से मेहनत कर रहे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें मिलकर देश में स्वदेशी से समृद्धि के दिशा में कार्य करना है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें मिलकर देश में स्वदेशी से समृद्धि की दिशा में कार्य करना है, जिसके लिए और विकास मॉडल बनाकर काम करना पड़ेगा। विकास के मॉडल्स में समाज के सबसे कमजोर तबके पर फोकस किया जा सकता है। विकास के मॉडल में समाज के सबसे कमजोर तबके पर फोकस किया जा सकता है, जिसमें जिसको आर्थिक सुधारों का लाभ सबको बराबर आज तक नहीं मिला है। असमानता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है, और यह ज्यादा समय चलने वाला भी नहीं है। इसलिए विकास का मॉडल समाज के सबसे कमजोर तबके को समृद्ध बनाने की सोच के साथ बनाना होगा। भारत का सबसे मजबूत पहलू महाद्वीप के आकार का बाजार है। जिसको पूरी तरह खंगाला ही नहीं गया आज तक, अगर हम बढ़ती आय वाले मिडिल क्लास की आबादी 1 अरब तक पहुंचा सकें, तो इस वर्ग की बेहतरी की चाहत उत्पादन और खपत का एक सकारात्मक चक्र शुरू हो करेगी। इससे महिला सहित हर तरह के युवा उद्यमियों की तरक्की को बढ़ावा मिलेगा, और विदेशी निवेशक भारत में मौजूदा अपार अवसरों को लपकने की कोशिश करेंगे। भारत के पास चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करने का भी मौका है। बेहतर और ज्यादा बराबरी वाला भारत बनाने में टेक्नोलॉजी आधारित विकास का बड़ा हाथ होगा। यह टेक्नोलॉजी से होने वाले तेज बदलाव का दौर है। जितना पिछले 300 सालों में नहीं हुआ है, उतना बदलाव अगले 30 साल में हो जाएगा। पहली और दूसरी औद्योगिक क्रांति में भारत जो चूक गया था, उसकी भरपाई तीसरी में कर सकता है और कर रहा है। इसके सामने अब चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई करने का भी मौका है। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बड़े उद्योग और सर्विस सेक्टर ही नहीं बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाले खेती, MSME, कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्ट और क्राफ्ट जैसे क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। लो टेक टूल के इनोवेशन में पारंपरिक आग्रता का इस्तेमाल
हाईटेक में करना होगा। लो टेक टूल के इनोवेशन में पारंपरिक अग्रता का इस्तेमाल हाईटेक में करना होगा। संभावना को सच बनाने के लिए हमें इनोवेटेड का देश बनाना होगा। संभावनाओं को सच बनाने के लिए हमें इनोवेटर्स का देश बनाना होगा, जिसके लिए इनोवेशन सोसाइटी संपूर्ण भारत में स्टार्टअप, इनोवेशन, इन्वेंशन और इनोवेटर को एक प्लेटफॉर्म दे रही है। जिससे भारत में भारतीयों के बीच नवाचार, शांति और सतत विकास से प्रेरित धारणा को ग्रहण करना होगा। लो टेक टूल के इनोवेशन में पारंपरिक अग्रता से हासिल कौशल को अब हाईटेक टूल बनाने में इस्तेमाल करना होगा। इससे उद्यमियों को कम लागत में देश दुनिया की जरूरतें पूरी करने वाले बेहतरीन उत्पाद और सेवाएं तैयार करने में मदद मिलेगी। लेकिन इन सबसे धन का उल्टा प्रभाव भारत की तरफ करने के लिए जरूरी है कि वर्कफोर्स को तेजी से जरूरी स्किल सिखाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया जाना बहुत ही जरूरी है। ताकि बच्चे और युवा भविष्य के लिए तैयार हो। इसके लिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर खोलने होंगे और मौजूदा शिक्षण संस्थानों को उन्नत बनाना होगा। देश की असल संपत्ति सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य और सबके लिए रोजगार ही है। हमें धन और उसे हासिल करने के सोच में बदलाव लाना होगा। और उनको संवेदना की प्रधानता वाली पुरानी मान्यताओं के अनुसार ढालना होगा। लंबे समय से धन संपत्ति का पैमाना सिर्फ निजता और रुपये पैसा बना हुआ है। लेकिन हम भूल गए कि देश की असल संपत्ति तो सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य और सबके लिए रोजगार और सबके लिए अच्छा मकान, सबके लिए अच्छा पर्यावरण, सबके लिए खेल, कला और संस्कृति, सभी के लिए आत्म विकास के मौके हासिल करने से बनेगी। समृद्धि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें अफोर्डेबल ग्रीन एनर्जी का बढ़ावा देना होगा। मैं रिलायंस इंडस्ट्री को उसके पहल के लिए बधाई देना चाहूंगा। आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा और सहयोग पर आधारित साझेदारी पर भी निर्भर करेंगे भविष्य के कारोबार।
प्रतिस्पर्धा और सहयोग पर आधारित साझेदारी पर निर्भर करेंगे भारत के कारोबार। वेल्थ क्रिएशन के इंडियन मॉडल के हिसाब से उद्यमता के सिद्धांत में भी बदलाव लाने की जरूरत है। वेल्थ क्रिएशन के इंडियन मॉडल के हिसाब से उद्यमता के सिद्धांत में भी बदलाव लाने की जरूरत है। भविष्य के सफल कारोबार प्रतिस्पर्धा और सहयोग पर आधारित पार्टनरशिप और प्लेटफॉर्म पर निर्भर करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री ने इसे प्रोफेशनल और एम्प्लाई के ओनरशिप वाली सोच के साथ मिलजुल कर काम करने के तौर पर देखा जाता है। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्री में इसे प्रोफेशनल और एम्प्लाई के ओनरशिप वाली सोच के साथ मिलजुल कर काम करने के तौर पर देखा जाता है। इसमें पार्टनर और इन्वेस्टर महात्मा गांधी के अंत्योदय के अनुसार साझे मकसद के लिए काम करते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मेरा करियर उदारीकरण के दौर से शुरू होने से पहले शुरू हुआ था। इसलिए नए भारत के उभार को लेकर उन्हें बहुत उम्मीद है और भरोसा है, और जिसके लिए हम आप सब मिलकर काम करेंगे, जिसके लिए पंचतत्व वर्ल्ड वाइड बिजनेस लिमिटेड काम कर रही है, जिसके लिए एशिया अफ्रीका डेवलपमेंट काउंसिल काम कर रही है, जिसके लिए नवाचार संस्थान काम कर रही है, और जिसके लिए हमारे देश के संपूर्ण संस्थान पूरे जोर शोर से देश को समृद्ध बनाने में काम कर रही है, और जल्द ही हम विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेंगे। जय हिंद, जय भारत।